What's up guys, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो गाइज यार, आपने हमारा लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा लास्ट वाले एपिसोड में क्या हुआ था। हम लोग बैनी से बोल के अपनी डीलरशिप के लिए सुप्रा और लैंड क्रूजर मंगवा लेते हैं वहाँ पे सेल करने के लिए। अब इस सुप्रा क्यों मंगवाते हैं, आप सभी को पता होगा, सुप्रा हम लोग इसलिए मंगवाते हैं क्योंकि लॉस एंजेलोस में 15-20 दिन बाद यहाँ पे एक बिगेस्ट सुपर कार रेस होने वाली है जिसमें स्पोर्ट्स कार अलावा उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे सुप्रा चलने वाली है। इसलिए हम लोग वहाँ पे सुप्रा मंगवाते हैं क्योंकि लॉस एंजेलोस में सबसे ज़्यादा अभी गाड़ी सुप्रा ही सेल हो रही है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे 6 सुप्रा और 6 लैंड क्रूजर मंगवा लेते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे बिकती जाएगी, वैसे बेनी ने यहाँ पे और गाड़ियों का दूसरे मॉडल का ऑर्डर लगा के रखा हुआ है, जैसे ही वो यहाँ पे आएगा तो हम लोग उसको भी अपनी डीलरशिप पे रख देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे लमार से मिलने के लिए आया था। अब लमार के साथ में हमारी काफ़ी टाइम से कोई काम ही नहीं पड़ रहा, तो आप सोच रहे हो कि आखिर हम लोग अब इससे क्यों मिलने के लिए आए हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हम लमार के साथ में इसलिए मिलने के लिए आए हैं क्योंकि हमें लमार के भी जरूरत है। हम लोग जो डीलरशिप परचेज़ कर रहे हैं, तो आपने पता होगा लास्ट वाले वीडियो में हमने परचेज़ की थी, उसी के साथ हम लोग एक डीलरशिप और परचेज़ कर रहे हैं जिसमें हमें बंदों की ज़रूरत है। तो लमार हमारे साथ में मिलके काम करने वाला है, लेकिन लमार मुझे बोल रहा है अगर तुम्हें मेरे साथ में काम करना है तो फ्रैंकलिन से तुम्हें वापस से बोलना पड़ेगा। फ्रैंकलिन और माइकल दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, दोनों की बातचीत बंद हुई है। तो फिलहाल हम लोग लमार अपने को फ्रैंकलिन के घर पर लेके जाने वाला है, दोनों का सुलह करवाने वाला है, उसके बाद ही लमार हमारे साथ में काम करने वाला है। तो हम लोग फटाफट यहाँ से निकल चुके हैं और पहुँचते हैं फ्रैंकलिन के घर पे। तो गाइस यार, आप है ना वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो, वीडियो को पूरा देखो, हमको थोड़ा वॉच टाइम दो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। आपके लिए मैं ऐसे ही डेली वीडियो बनाता रहूँगा, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को पूरा देखो। आप वीडियो को छोड़ के चले जाते हो तो वीडियो लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक करो। अब आपको मैं बताता हूँ आखिर फ्रैंकलिन के साथ में माइकल की क्या लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से दोनों बोल नहीं रहे। अब फ्रैंकलिन के साथ में कुछ ऐसा हुआ था, डगनबोट जो है ना उसने फ्रैंकलिन को किडनैप कर लिया था। फ्रैंकलिन सोच रहा था माइकल यहाँ पे आएगा, सारे बंदों को एक एक करके मारेगा और उसके बाद में ना फ्रैंकलिन को छुड़ा के लेके जाएगा, लेकिन उसका उल्टा होता है। उल्टा माइकल यानी कि हम लोग है ना डगनबोट के साथ में काम करने के लिए लग जाते हैं। ये बात फ्रैंकलिन को बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो हमको छोड़ के चला जाता है। तो फिलहाल हम लोग फ्रैंकलिन के घर के पास पहुँच चुके हैं, वो शायद से हमारा अंदर की साइड में वेट कर रहा होगा। वैसे लमार ने ना ये नहीं बताया कि माइकल मेरे साथ में आने वाला है, तो हो सकता है वो हमको देख के शॉक हो जाए। लेकिन कोई ना, हम लोग फटाफट से अंदर चलते हैं, फ्रैंकलिन से बात करते हैं, उसको जैसे तैसे करके मनाने का ट्राई कर देते हैं, उसको कन्विंस कर लेते हैं। आई होप यार वो कन्विंस हो जाए, क्यों अगर वो कन्विंस हो जाता है तो एक डीलरशिप पर हम फ्रैंकलिन को रख देंगे, दूसरे डीलरशिप पर लमार पे। और ये भी सोच रहा हूँ जीबी को ना इन दोनों में से एक एक के पास में रख दिया जाए जिससे कि वो काम सीख जाए, उसके बाद में जब भी ये हमसे नहीं बोलेंगे ना तो सारा का सारा काम हम जीमी के साथ में करवा लेंगे। फिलहाल मैं इसको जैसे तैसे करके कन्विंस करने का ट्राई कर रहा हूँ। लमार भाई सामने आना, तू ही मेन आदमी है, उधर साइड के अंदर खड़ा हुआ है। तो फिलहाल ये मान नहीं रहा। और ये मौसम को क्या हुआ, अचानक से इतना ज़्यादा कैसे बदल गया भाई, एकदम धूप निकल रही थी और अचानक से इतने खतरनाक घने बादल हो चुके हैं। तो फिलहाल गाइस हम लोगों ने तो जैसे तैसे करके फ्रैंकलिन को मना लिया, ये नहीं माना, और अपना जो लमार है ना वो भी इसको पूरी तरीके से कन्विंस करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इतना ढीट हो चुका है, बिल्कुल इसको समझ ही नहीं आ रही है। मैंने इसको सब समझने का ट्राई किया आखिर हम लोग डगनबोस के साथ में मिलके काम क्यों कर रहे थे, उसके साथ में मिलना एक लेस्टर का प्लान था, उसके हिसाब से मैं काम कर रहा था। लेकिन भाई साहब अब जैसे तैसे करके अपना जो लमार है ना उसने कन्विंस कर लिया, लेकिन इसकी एक शर्त है, ये बोल रहा है मुझे उसमें कुछ प्रॉफिट चाहिए, मैं सैलरी पे काम नहीं करूँगा। हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा, ये दो डीलरशिप में से जो इसको सबसे ज़्यादा पसंद आए कि ये वहीं पे काम करने वाला है, हम लोग जहाँ पे इसको काम देंगे वो यहाँ पे नहीं करेगा। तो ठीक है यार, हम लोग फटाफट से बाहर की साइड में चलते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। वैसे हमारे पास में सिर्फ एक ही गाड़ी है जिसमें दो बंदे बैठ के जा सकते हैं, तो लमार अपना कुछ देर यहीं पर रुकने वाला है, वो अपने लिए गाड़ी का अरेंजमेंट करके डीलरशिप पर पहुँच जाएगा। मैं फ्रैंकलिन को यहाँ पे साथ में लेके जाने वाला हूँ। अगर हमारे पास में चार बंदे बैठने वाली गाड़ी होती, फोर व्हीलर होती, तो हम लोग फटाफट से चलते हैं और इस अपने लमार को भी साथ में लेके जा लेते। लमार बोल रहा है मैं जैसे तैसे करके आ जाऊँगा, तो हम लोगों ने उसको यहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन फ्रैंकलिन है जिसको हम लोग साथ में लेके आ गए। अगर फ्रैंकलिन को यहाँ पे छोड़ के जाते तो फ्रैंकलिन फिर से हमसे नाराज़ हो जाता और उसके बाद में आई थिंक ये हमारे साथ नहीं चलेगा। हमारी गाड़ी यहाँ पे कैसे आ गई यार, हम लोगों ने थोड़ा पीछे पार्क की थी। चलो कोई ना, मेरे को याद है जाते मैंने थोड़ा गाड़ी पीछे पार्क की थी। अब इस जल्दी से बैठना। चलो गाइस ये यहाँ पे बैठ चुका है, अब हम लोग फटाफट से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इसको लेके चलते हैं। गाड़ी की वैसे स्पीड मेरे को बहुत ज़्यादा शानदार लग रही है, आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है। फिलहाल ये गाड़ी जो है ना ये बैनी के किसी कस्टमर की अपनी गाड़ी नहीं है। हम लोग यहाँ से पहुँचते हैं डीलरशिप में। वैसे जो एक और डीलरशिप है ना साईफाई, वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, सबसे पहले वो रस्ते के अंदर ही पड़ती है। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ये वाली फ्रैंकलिन को दिखा देता हूँ, अगर पसंद आ जाती है तो फ्रैंकलिन यहाँ पे काम करने लग जाएगा, लेकिन जो हम अपनी जो रेगुलर डीलरशिप है वहाँ पे लेके चलेंगे। अगर वो पसंद आएगी तो फ्रैंकलिन वहाँ पे कर लेगा, और लमार यहाँ पे, लमार का कोई नहीं है, वो जहाँ पे भी हम लोग उसको देंगे ना तो वो एडजस्ट कर लेगा। नखड़े तो हमारे इस फ्रैंकलिन के। फिलहाल हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं,
वैसे फ्रैंकलिन बोल रहा है यार, डीलरशिप तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस डीलरशिप का नाम आपको पता होगा, ड्रिक कार साइफाई। तो फिलहाल हम लोग फटाफट से अंदर चलते हैं। और यहाँ से एक तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे बस स्टैंड है जिसकी वजह से हमारी डीलरशिप के सामने बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है। इनको ही देख लो भाई, जल्दी से निकल, तेरी ऐसी की तैसी, निकल रहा है कि नहीं। चलो ये तो इसको भाई चुल मची हुई है, इतना ज़्यादा हम लोगों ने डरा दिया। अब तेरी तो ये वापस ही नहीं उठेगा भाई, एक ही मुक्के के अंदर चला गया, क्या बंदा था। चलो ठीक है, कहीं मर बुरा तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, एम्बुलेंस को मंगा के प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है यार, ये बिल्कुल सही है, सिर्फ अनकॉन्शियस होया हुआ है। एक काम कर, इस गाड़ी को ना फ्रैंकलिन डीलरशिप के अंदर ही लेके चल ले, बाहर पार्क की तो कहीं बंदे इस गाड़ी को छेड़ेंगे, देखेंगे, फोटो क्लिक करेंगे, जिससे भाई बेनी के कस्टमर को पता नहीं चल जाए कि मेरी गाड़ी का ये क्या हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको अंदर पार्क करते हैं। तो ठीक है, हम लोग बाहर से गाड़ी अंदर लेकर आ चुके हैं। मैं फ्रैंकलिन को बोल देता हूँ, और बाहर की साइड में तू जाके देख, उधर हम लोग प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं, ये डीलरशिप पूरी की पूरी अच्छी है, जाके घूम देख डीलरशिप कैसी लगती है तेरे को। लेस्टर ने मुझे बोला था अगर तुम्हारा उस डीलरशिप पे जाना हो तो वहाँ पे एक बार सिस्टम चेक कर लेना, वो ऑन हो रहा है या फिर नहीं। हमको फिलहाल फटाफट से एक बार अंदर चल के सिस्टम देखना है, लेकिन यहाँ पे चलते हैं, मेरे हिसाब से तो ये ऑन होना चाहिए, क्योंकि लेस्टर बोल रहा है मैंने वहाँ पे जाके पूरा सिस्टम को ऑन किया था। अब उसको इस सिस्टम के ऑन होने की पता नहीं क्या ज़रूरत पड़गी, कोई ना, मुझे तो बिल्कुल ओके लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। तो चलो ठीक है, ये सिस्टम बिल्कुल सही है। फिलहाल हम लोग जब वहाँ पे डीलरशिप पे जाएंगे ना तो लेस्टर को बता देंगे। अब वापस से चलते हैं और देखते हैं फ्रैंकलिन को ये डीलरशिप कैसी लगी। अभी भी ये होलोग्राम देखने में ही लगा हुआ है। अबे भाई क्या हुआ, तेरे को क्या पसंद नहीं आया क्या? चलो भाई, ये इसको ना वो कार वाला जो होलोग्राम है ना, वो सबसे शानदार लग रहा है। मैं सोच रहा था यार, हम लोग ना लेस्टर को बोल के ये जो कार है ना, इसकी जगह हम अपनी सुप्रा वाला होलोग्राम लगा दें, जिससे कि लोग और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और यहाँ अंदर आके हमसे सुपरा परचेज़ करेंगे। और इसके अलावा जो जो हम लोग नई नई अपनी लिए सुपर कार, स्पोर्ट्स कार लेकर आएंगे वो परचेज़ करेंगे। वैसे मैं सोच रहा था अलग अलग मसल कार भी लेकर के आया जाए, मसल कार हम इस डीलरशिप पे रख लेंगे और बाकी जो सुपर स्पोर्ट कार है वो उस डीलरशिप, दोनों डीलरशिप पे अलग अलग कार्स रखेंगे, कुछ बाइक्स भी मंगवाई जाए, लेकिन उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी, जब पैसे आ जाएंगे ना तब हम लोग करेंगे। फिलहाल फ्रैंकलिन को ना ये डीलरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन इसने बोला मैं एक डीलरशिप और देखने वाला हूँ, अगर मेरा जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना वहीं पे मैं रुकने वाला हूँ। तो ठीक है, देखते हैं। और पक्का गाई से फ्रैंकलिन इस डीलरशिप पे तो नहीं रुकने वाला, यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। वो जो हमारी एक और डीलरशिप है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर है, और ये जाके गाड़ी पे बैठ चुका है और हमको बोल रहा है गाड़ी तुम ड्राइव करो। मैं तो सोच रहा था फ्रैंकलिन चलाने वाला है, लेकिन इसने तो हमारे ऊपर ढोल दी। ठीक है, हम लोग फटाफट, अबे भाई बंदा गाड़ी के नीचे आ गया, कोई ना, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं फटाफट से उस डीलरशिप पे। वहाँ पे लेस्टर हमारा वेट कर रहा होगा, लेस्टर बोल रहा है जल्दी से जल्दी, वहाँ पे 300 गाड़ियाँ मॉडिफाई करके बेनी ने रखी हुई है, उन तीनों गाड़ियों को यहाँ पे हमें लेकर के आना है। मैं फ्रैंकलिन को बोल दूंगा वो वहाँ से गाड़ियाँ लेकर के यहाँ पे आ जाए, या फिर लमार वहाँ पे आएगा तो लमार को बोल देंगे भाई ये डीलरशिप है, तू इन गाड़ियों को वहाँ पे लेकर के चला जा, और उसी डीलरशिप में लमार को रुकना है। फिलहाल हम लोग फटाफट से डीलरशिप के पास में पहुँच चुके हैं। आपने हमारे लास्ट वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा हमने लास्ट वाले वीडियो में यही डीलरशिप परचेज की थी, और हमारी ये 3 सुपरा कार्स पड़ी हुई है यहाँ पे जो हमने लास्ट वाले वीडियो में मंगवाई थी। तो मैं एक काम करता हूँ, जो हम लोग गाड़ी लेकर के आए थे ना ये मोटरसाइकिल, इसको भी अंदर की साइड में पार्क कर देते हैं, क्योंकि बाहर अगर कोई बंदा किसी को पसंद आ गई ना तो वो गाड़ी मांग लेगा, क्योंकि ये बहनी के किसी कस्टमर की गाड़ी अपनी गाड़ी नहीं है। और यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेलर आ चुका है, आई थिंक यार इसमें 3 से 4 गाड़ी है, आराम से हम लोग लोड करके किसी को डिलीवरी विलीवर करनी है तो वहाँ पे जाके हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस गाड़ी को मैं अंदर की साइड में पार्क कर देता हूँ, फ्रैंकलिन को बोल देता हूँ एक काम कर फ्रैंकलिन तू फटाफट से मेरे पीछे आ, इस डीलरशिप को पूरा चेक कर ले। फिलहाल यहाँ पे बेनी होना चाहिए था, लेकिन बेनी यहाँ पर नहीं है, तो वो अपने गैरेज पे गया होगा, 2-3 गाड़ी वो बोल रहा था मेरे कस्टमर की गाड़ी आई हुई है तो उन्हें भी चेक करना है, तो वो अपनी गाड़ी भी तो देखेगा ना। तो ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत ज़्यादा कस्टमर आए हुए हैं, कुछ यहाँ पे लगता है लैंड क्रूजर परचेज करने के लिए आए हैं। ये मैडम शायद से पिंक कलर वाली गाड़ी देख रही है, एक तो यार पुलिस वाली मैडम है ये भी यहाँ पे आ गई, लगता है इन सभी को लैंड क्रूजर चाहिए इनमें से, देखते हैं लैंड क्रूजर कितनी बिकती है। और बाकी यहाँ पे सुपरा है जो 3 गाड़ी हैं, 3 गाड़ी है तो हम लोग यहाँ से ट्रांसफ़र करने वाले, और अपना लेस्टर और ये बंदा लेस्टर से क्या बातचीत कर रहा है हम लोग आखिर सुनते हैं, आखिर इनके बीच में क्या बातचीत कर रहे हैं। और अपना जो फ्रैंकलिन है वो जैसे उसने डीलरशिप देखी ना वो यहाँ पे आ चुका है, और ये शायद से लेस्टर से बात करेगा यहाँ पे कितने ज़्यादा कस्टमर कब तक आए हैं, इसने कस्टमर देख लिए होंगे, क्योंकि आपको पता ही है फ्रैंकलिन ने हमको बोल दिया था जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे चलते हैं और इन तीनों सुपरा के बारे में हम लोग डिटेल ले लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल ये 3 से 4 बंदे खड़े हुए हैं और ये यहाँ से
सुपरा देखने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, ये तीनों सुपरा के इन बंदों को पसंद आ चुकी है मेरे हिसाब से ये सुपरा, लेकिन इनको ये पता नहीं है तीनों सुपरा में से दो बिक चुकी है और ये जो बीच में सिल्वर कलर की सुपरा है ना, ये जो सुपरा है इनको अभी सेल करना बाकी ये जो आसपास ब्लू और वो सुपरा थी ना येलो कलर वाली, ये दोनों बिक चुकी है। और ये जो येलो कलर वाली रेंट क्रूजर है जिसको अभी मैंने आपको दिखाया था, ये भी सेल हो चुकी है। हमें फिलहाल इन गाड़ियों को डिलीवर करने के लिए आना। लेकिन वेट यार, ये क्या कर रहे हैं जिमी और ट्रेसी? भाई जिमी देख, ऐसी बात है, तू जिस गाड़ी को देख रहा है ना वो गाड़ी बिक चुकी है, और तेरे गाड़ी क्या काम की भाई? ये तेरे को तो गाड़ी पड़ी है तेरे पास में, दिलाई भी मैंने, तू इस गाड़ी को चलाने लायक नहीं है, तेरा तो लाइसेंस ही नहीं बना हुआ। ओके यार, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं दोनों के दोनों? यहाँ पे ट्रेसी गाड़ी ड्राइव कर लेगी, ये भी रेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। भाई तुम मारे जाओगे भाई, तुम्हें पार्टिसिपेट करने नहीं दूंगा। फिलहाल मेरी गाइस इनसे बात हो चुकी है, अब मैंने ना इनको बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये नहीं मान रहे। ये बोल रहे हैं हमको पता चला यहाँ पे डीलरशिप लगी है जिसमें सुपरा मिल रही है, और इनको ये पता नहीं था कि ये डीलरशिप हमारी है। यहाँ पे जैसे ही आए ना लेस्टर को देखते ही पता चल गया कि ये डीलरशिप इनके मन की माइकल की है। तो फिलहाल हम लोग फटाफट चलते हैं और लेस्टर से बात करते हैं। वैसे लेस्टर मुझे बोल रहा था तुम जल्दी से इन तीनों गाड़ियों को वहाँ पे दे के आओ और इन गाड़ियों की भी डिलीवर करके आओ, उसके बाद में लेस्टर को मुझसे काम है, आखिर देखते हैं। अबे रुक्सा भाई, लेस्टर को काम है, आखिर देखते हैं लेस्टर हमको क्या बोलनी चाह रहा है। फिलहाल एक बार फटाफट से चलता हूँ, मैं फ्रैंकलिन को पूछ लेता हूँ अगर फ्रैंकलिन इन गाड़ियों को उस डीलरशिप पर छोड़ के आ सकता है तो, वरना यार हमको ही जाना पड़ेगा। इन गाड़ियों को यार कम से कम ट्रेलर में लोड करके रखता तो इससे हमारा थोड़ा काम आसान हो जाता, लेकिन कोई ना, हम लोग फटाफट से चलते हैं फ्रैंकलिन से बात करते हैं, आखिर फ्रैंकलिन राजी होता है या फिर हमें इस गाड़ियों को लेके यहाँ से जाना पड़ेगा। पर फ्रैंकलिन से फटाफट से बात कर लेता हूँ। ओके यार, फिलहाल मेरी ना फ्रैंकलिन के साथ में बात हो चुकी है। अब फ्रैंकलिन बोल रहा है मेरे पास में अभी यहाँ पे देख के मैं डीलरशिप में बंदों को देखने वाला हूँ और यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो सकता है उसके बारे में देखने वाला हूँ, तो अगर तुम्हें गाड़ियाँ देखे आनी है तो मैं यहाँ पे कुछ आधी से एक घंटे बाद में जाऊँगा, इतनी देर में तो लेट हो जाएगा, फिलहाल वहाँ पे भी कस्टमर आ सकते हैं, इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये उन गाड़ियों को देके आ जाते हैं और उसके बाद में हम लोग जो ये गाड़ियाँ सेल हो चुकी है ना उनको डिलीवर करके आ सकते हैं। लेकिन फिर भी यार इन बंदों को देखो, इनको पता नहीं है कि ये गाड़ी डिलीवर हो चुकी है, पता चलेगा तब भाई इनको पता नहीं क्या होगा। फिलहाल मेरे लेस्टर को बोला इनको बताना ही मत तू, इनको ऐसी रेट बता के रखना जिससे कि ये राजी ना हो, इनको बेचनी नहीं है हमें गाड़ी, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी बुक हो चुकी है, जिस बंदे को हमने सेल की है उसने हमें एडवांस पेमेंट भी कर दिया, बस हमें वहाँ पे उसके मेंशन पे जाके गाड़ियों को डिलीवर करके आना है। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे फटाफट इन सभी गाड़ियों को पार्क कर देता हूँ। ओके यार, सारी की सारी गाड़ियाँ मैंने ट्रेलर में लोड कर दी, अब हम लोग फटाफट से बैठते हैं और इन गाड़ियों को यहाँ से लेकर के चलते हैं जल्दी से जल्दी। मैं एक काम करता हूँ, मैं लमार को भी फटाफट से कॉल कर लेता हूँ, क्या पता वो अभी तक डीलरशिप पहुँचा होगा या फिर नहीं, क्योंकि जल्दी से जल्दी अगर लमार डीलरशिप नहीं पहुँचा तो हम लोग क्या काम करेंगे। एक काम करते हैं, फटाफट से मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ, रस्ते के अंदर ही लमार को कॉल कर लूँगा। वैसे ये जो ट्रेलर है ना, ये भाई साहब मिलिट्री का कैसे लेकर के आ गया, ये बैनी पता नहीं यार कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ट्रेलर उठा करके लेके आ जाता है, अगर मिलिट्री वालों को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई ना, हम लोग फिलहाल यहाँ से फटाफट से निकलते हैं और पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी अपने डीलरशिप पे, वहाँ पे इन गाड़ियों को पार्क करते हैं। ओके यार, हम लोग ना उस हाईवे पे पहुँच चुके हैं जहाँ से रास्ता जाता है हमारी डीलरशिप का, और सामने की साइड में आपको डीलरशिप दिखाई दे रही होगी। डीलरशिप देखने के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे अभी तक लमार नहीं आया, लेकिन यार ये जो बस स्टैंड है ना इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, यहाँ पे बस स्टैंड को हटवाना पड़ेगा, इसकी वजह से हमारे डीलरशिप के सामने बहुत सारे बंदे यहाँ पे खड़े हुए रहते हैं। एक काम करते हैं, इन गाड़ियों को जल्दी से मैं यहाँ से इस ट्रेलर से हटा के अपनी डीलरशिप के अंदर पार्क कर देता हूँ, यहाँ पे इससे ट्रैफिक जाम भी हो सकता है रोड पे, क्योंकि हमारे डीलरशिप के सामने कहीं पे ट्रेलर पार्क करने की जगह नहीं है तो हमें इसको रोड पे पार्क करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने सारी गाड़ियों को बाहर निकाल लिया है, अब एक एक करके इन गाड़ियों को जल्दी से डीलरशिप के अंदर पार्क कर लेता हूँ, क्योंकि बंदे यहाँ पे इन गाड़ियों के फोटो लेने लग गए हैं, जैसे ही उन्होंने यहाँ पे गाड़ियाँ देखी इनकी हिम्मत नहीं हो जाए अंदर आने की, क्योंकि ये जो बाहर के वाले बंदे हैं ये हमारी गाड़ियाँ तो परचेज नहीं कर सकते, बस यार अंदर आके सेल्फी वगैरह लेने गए, जो यार हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिलहाल हम लोग फटाफट से अंदर बाहर की साइड में चलते हैं, ये जो दो गाड़ी है ना इनको भी मैं एक एक करके अंदर लेकर के आ जाता हूँ। ये जो आपको ब्लू कलर वाली गाड़ी दिखाई दे रही है, वैसे इसका कलर थोड़ा ठीक है बस, लेकिन कोई ना, हम लोग यहाँ पे पार्क कर देते हैं। आई होप आज ये भी गाड़ी बिक जाए, अगर नहीं बिकेगी तो हम लोग इसका कलर चेंज करवा देंगे जिससे कि ये गाड़ी बिक जाएगी, क्योंकि येलो और ब्लू कलर वाली गाड़ी, लाइट ब्लू वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा जल्दी बिकी है, तो हो सकता है ये भी गाड़ी बिक चुकी है। तो फिलहाल मैंने ग्रीन वाली गाड़ी तो वहाँ पर रख दी थी अपने मेन जगह पर, और दूसरी ये वाली गाड़ी रख दी यहाँ पर। फटाफट बाहर चलते हैं, एक गाड़ी को लाते हैं और उसको कहाँ पर पार्क करें यार, कोई अच्छी सी जगह हमको मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से ना, उस गाड़ी को यहाँ पे मुझे लगा देना चाहिए। तो फिलहाल ओके, मैं फटाफट बाहर जाता हूँ और उस गाड़ी को, वैसे ये जो रेड कलर वाली गाड़ी है ना इसका प्राइस थोड़ा अलग रखना चाहिए, हम लोग कलर के हिसाब से प्राइस रख रहे हैं। एक गोल्ड कलर वाली गाड़ी थी, उस गाड़ी का कलर ना बेनी ने चेंज कर दिया क्योंकि वो उसको पसंद नहीं आ रहा था,
तो साइड से गोल्ड को उसने येलो बना दिया, तो कोई ना हम लोग जिसको येलो बना दिया और वो गाड़ी जो है ना वो सेल हो चुकी है। हम लोगों ने तीनों गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी, लेकिन अभी तक यहाँ पे लमार नहीं आया। फिलहाल मैं एक बार बाहर चल के देखता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 2 से 3 बंदे खड़े हुए हैं और अंदर की साइड में शायद से ये गाड़ी को देख रहे हैं। मैं फिलहाल फटाफट से लमार को कॉल कर रहा हूँ, लमार से मेरी बात हो रही है। लमार बोल रहा है यहाँ पे मैं कुछ देर के अंदर पहुँच जाऊँगा, मेरे पास में गाड़ी नहीं थी, गाड़ी मिलने में टाइम लग गया, जिसकी वजह से वहाँ से आने में टाइम लग गया, क्योंकि फ्रैंकलिन का घर बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ से पैदल तो आ नहीं सकता, उसको आने के लिए कोई गाड़ी तो चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे लमार कभी भी आ सकता है। हम लोग फटाफट से यहाँ पे लमार का वेट करते हैं। और यार ये जो ट्रेलर था ना, इसने हाईवे पे ना पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया। ओके यार, मेरे को यहाँ पे वेट करते करते पूरे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अपना लमार अभी तक नहीं आया। उसने बोला मैं यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं हूँ, कुछ देर के अंदर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं। मेरे हिसाब से अब यहाँ पे लमार आता ही होगा किसी भी समय। ओके, ये गाड़ी किसकी? ये तो भाई लमार है, और इस बंदे के अंदर इसने गाड़ी को ठोक दिया, और ये तो अच्छी बात है, चलो बंदा मरा नहीं। अबे दोनों के बीच में फाइट होने लगी, देखते हैं ये लमार भाई इसको टिका देगा, ये मारेगा। ओ भाई ठीक है, बंदा भाग लिया, वरना ये भी यहीं पे मर जाता, बेहोश हो जाता, अनकॉन्शियस हो जाता, क्योंकि भाई लमार अपना छोड़ता नहीं है। मैं फिलहाल लमार से बात कर लेता हूँ और उसको बोल देता हूँ कि फ्रैंकलिन को वो वाली डीलरशिप पसंद आ चुकी है, अब तुझे यहीं पे काम करना चाहता है। वैसे जो लमार है ना, उसकी चॉइस थी हमारे साथ उस डीलरशिप पे काम करने की, लेकिन यहाँ पे कोई ना, वहाँ पे फ्रैंकलिन करेगा तो लमार यहाँ पे इसको काम करना ही पड़ेगा। मैं इससे बात कर लेता हूँ और इसके साथ में इसको बोल दूंगा कि जिमी को मैं कन्विंस करने का ट्राई करूँगा कि वो इस डीलरशिप में आके काम करे। फिलहाल मैं 3 गाड़ियाँ लेकर के आया हूँ, और इसके अलावा हम लोगों ने सुपरा के और मॉडल मंगा दिए हैं, 6 से 7 गाड़ी और मंगाई है, जिसमें से 3-4 गाड़ियाँ यहाँ पे और आ जाएगी। फिलहाल लमार यहाँ पे जा रहा है और इस गाड़ी को डीलरशिप के अंदर पार्क कर रहा है और अंदर की साइड में रुक जाएगा, और हम लोग फटाफट यहाँ से चलते हैं, इस ट्रेलर को यहाँ से लेके पहुँचते हैं अपनी डीलरशिप पे। मेरे पास में ना लेस्टर का भी कॉल आया था, लेस्टर बोल रहा है फटाफट से यहाँ पे आओ, किसी बंदे की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ से चलते हैं, लेस्टर के पास में एक इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन वो हमें देने वाला है, इसलिए हम लोग फटाफट यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी लेस्टर के पास। वहाँ पे हम लोग जाएंगे फ्रैंकलिन के पास है ना, उसको काम हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद में लेस्टर वहाँ से निकल पाएगा। फिलहाल मैं फटाफट यहाँ से निकल जाता हूँ। 1 मिनट गाइस, लेस्टर वापस बोल रहा है, लेस्टर मुझे बोल रहा है एक काम करो तुम है ना, फटाफट से वहाँ पे डीलरशिप में आ जाओ, पहले गाड़ी डिलीवर करके आनी पड़ेगी, हम तो भूल ही गए हमें गाड़ी भी डिलीवर करके आनी है। तो ठीक है, हम लोग फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं, पहले वहाँ से गाड़ी डिलीवर करते हैं और उसके बाद में हम लोग सीधा ही ना लेस्टर की बताई हुई सीक्रेट लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। फिलहाल अभी भी लेस्टर उसी डीलरशिप में। ओके यार, हम लोग फटाफट से अपनी डीलरशिप के पार पहुँच चुके हैं, अंदर इस गाड़ी को लेता हूँ, इस ट्रेलर को। अबे यार ठुक गया, इस ट्रेलर को क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं जगह तो दिखाई नहीं दे रही मुझे, यहाँ पे क्या आराम से पार्क हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, थोड़ा इसको आगे की साइड में ले लेता हूँ, ये बिल्कुल जगह दिख रही है। और भाई अभी बंदे की गाड़ी ठोक देता, लेकिन कोई ना, ये बंदा बिल्कुल बच चुका है। हम लोग फटाफट से गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं और अंदर चलता हूँ। मैंने ट्रेलर को सही जगह पे तो लगाया ना, ये बंदा अभी तक यहाँ पे खड़ा हुआ है और रेस्टर से डिस्कस कर रहा है, आखिर ऐसी क्या डिस्कस कर रहा है भाई, चल के देखते हैं। फिलहाल एक बार बात करता हूँ, आखिर क्या करने जा रहा है। ओके यार, तो मेरे ना फिलहाल यहाँ इस बंदे से बात हो चुकी है, ये जो बंदा खड़ा हुआ है ना लेस्टर के साथ पे बोल रहा है ये इसको 3 लैंड क्रूजर चाहिए, लेकिन लेस्टर को बोल रहा है 10% डिस्काउंट। नहीं भाई, हम लोग डिस्काउंट नहीं देने वाले, फिलहाल यहाँ पे बैन ही नहीं है, वरना लेस्टर हमारे साथ ही चल जाता। ओ भाई यहाँ से हटो, हमको ये गाड़ी निकालनी है। अबे क्या, ये बंदे को गाड़ी पसंद आ गई है, लेकिन ये गाड़ी सेल हो चुकी है, इसको सेल थोड़ी कर सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ से निकल, जल्दी से निकल। ओके, सबको मैंने यहाँ पे साइड करवा दिया है, अब हम यहाँ से गाड़ी को लेके यहाँ से निकलते हैं, फटाफट से इस गाड़ी को बैठ जाता हूँ। लेकिन ये जो बंदा भाई साहब येलो कलर की लैंड क्रूजर देख रहा है, ये भी तो बिक चुकी है। पहले हमें इस गाड़ी को है ना बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि इतना स्पेस है, हम लोग इस गाड़ी को बाहर लेके नहीं जा सकते। एक काम करता हूँ, फटाफट से मैं इस गाड़ी से उतरता हूँ और इस लैंड क्रूजर के अंदर बैठता हूँ, इसमें बैठते हैं। और भाई बंदा हट जा, ऊपर चढ़ा दूंगा गाड़ी, हट जल्दी से। ओके, तो फिलहाल ये बंदा साइड हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से ही निकाल लेते हैं गाड़ी को आराम आराम से। अबे डंट आ जाएंगे। वैसे यार मैंने अंदर की साइड में गाड़ियाँ तो पार्क कर ली जैसे तैसे करके, लेकिन ये गाड़ी हमारे ही प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, हम लोगों ने गाड़ियों को जैसे तैसे अरेंजमेंट कर लिया, क्योंकि हमारी ये जो डीलरशिप है ना ये थोड़ी छोटी है, मैं सोच रहा था इससे बड़ी डीलरशिप परचेज करने का, लेकिन कोई नहीं, हम लोग फटाफट से इस गाड़ी को पहले बाहर निकाल के इसको यहीं पर छोड़ देता हूँ। 1 मिनट यार, जो हमारी वो ट्रेलर है उसमें तीनों गाड़ियाँ आ जाएगी क्या? मेरे हिसाब से 3 गाड़ियाँ ना इसमें एक साथ ही आने वाली। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो इस सुपरा लेके चल जाते हैं, क्योंकि 2 जो सुपरा ना उनको एक ही जगह पे एक ही एड्रेस पे डिलीवर करना है, एक ही बंदा है,
जो इस गाड़ी को मंगाना है, एक अपने लिए और एक अपने फ्रेंड के लिए उसने गाड़ी को ऑर्डर किया है, उसने हमारे लिए एडवांस पेमेंट भी कर दिया। तो फिलहाल हम लोग फटाफट यहाँ से निकाल लेते हैं इस गाड़ी को, और जो उसने पेमेंट किया हाथों हाथ अपने जो बैनी है उसने उस पेमेंट से गाड़ी और यहाँ पे मंगवा ली। फिलहाल इसको भी बाहर लगता हूँ, एक गाड़ी को लाता हूँ और इन सारी की सारी गाड़ियों को लोड कर लेता हूँ अपने। ओके यार, तो फिलहाल मैंने इन गाड़ियों को लोड कर लिया और जो हमारी लैंड क्रूजर थी ना वो गाड़ी इसमें नहीं आने वाली, उसका स्पेस भी थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग उसको वापस से ड्राइविंग करते हुए उसको बाद में डिलीवर करके आ जाएंगे। फिलहाल हम लोग फटाफट यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी। अब यार ये ट्रेलर है, इसको भी यहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई। एक क्या करना पड़ेगा, एक जगह फिक्स बनानी पड़ेगी जहाँ पर हम इस ट्रेलर को पार्क करके रख सकें, क्योंकि इसका काम पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा। एक काम करते हैं, ये जो लंबा रोड जैसा रास्ता बना हुआ दिखाई दे रहा ना, हम लोग यहाँ पे ना इस ट्रेलर को परमानेंटली फिक्स कर देंगे। जितनी भी हमें गाड़ियाँ लोड करनी होगी वो यहीं पे लाके करेंगे, और यहाँ से गाड़ी भी अनलोड करनी होगी तो वो यहीं से करेंगे। फिलहाल इसको जैसे तैसे करके मैं आराम आराम से निकाल लूँगा। वैसे ये पता नहीं यार कौन सा ग्लिचा, हम लोग फटाफट से निकाल लेते, और भाई यहाँ पे जो कोई गाड़ी लेके आ रहा था उसकी गाड़ी के अंदर मैंने अपना ट्रेलर घुसा दिया, लेकिन कोई ना, हमारी गाड़ियों को कुछ नहीं हुआ लेकिन उसकी गाड़ी का ना चूरा हो गया। हम लोग फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं मैंने और जल्दी पहुँचते हैं। डन। तो गाइज हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते निकलते पहुँच चुके हैं और उस लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें गाड़ियाँ रिपेयर करनी थी। शायद से इसके आगे वाला ही मेंशन है जहाँ पे सिक्योरिटी के बंदे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, हम लोगों को यहीं पे गाड़ियाँ पार्क करनी है। अंदर की साइड में ट्रेलर तो नहीं आ सकता, इसका मेंशन थोड़ा छोटा है। एक काम करते हैं, वैसे यही मेंशन है क्या उसका? अंदर की साइड में एक बंदा खड़ा हुआ है लेकिन वो पहचान में तो नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं। मैं थोड़ा हॉर्न देने का ट्राई करता हूँ, ये बॉडीगार्ड नहीं आ रहे, लेकिन अंदर से यहाँ पे एक बंदा आ रहा है और अंदर एक मैडम भी खड़ी हुई थी गाड़ी लेके। ये बंदा मेरे से बातचीत कर रहा है। ओके यार, ये बंदा वही है जिसके यहाँ पे हमें गाड़ियाँ डिलीवर करनी है। फिलहाल ये बंदे ने जैसे ही देखा ना, ये हमारा ही वेट कर रहा था क्योंकि ये टेस्ट ड्राइव करने जाने वाला है इस गाड़ी को लेकर के। इसका जो फ्रेंड है वो भी यहाँ पे कुछ देर के अंदर आने वाला होगा। दोनों जाएंगे, एक अच्छे से टेस्ट ड्राइव करेंगे और उसके बाद में ये रेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने फटाफट से इस गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर देते हैं। वैसे इन दोनों बंदों को माइकल के पूरा ट्रस्ट है, इसीलिए इन्होंने बिना टेस्ट ड्राइव के गाड़ी ले ली है और गाड़ी परचेज करने के बाद इसकी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग इन दोनों को अनलोड कर लेते हैं, फटाफट से यहाँ पे नीचे उतार लेता हूँ गाड़ियों को मैं। ओके यार, तो फिलहाल ये वाली गाड़ी यहाँ पे हो चुकी है अंदर जाके। वैसे इसको पार्क कहाँ पे करना है? ये बंदा खड़ा हुआ है भाई, इसको पार्क कहाँ पे करूँ जल्दी से बता। क्या हुआ, ये बंदा तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है। ओके, ये बंदा मेरी साइड में आ रहा है और ये एक और मैडम है शायद से। एक गाड़ी जो और है ना वो इस बंदे ने इसी मैडम के लिए परचेज़ की थी। ये मुझे बोल रहा है यहाँ कहीं पे भी पार्क कर दो क्योंकि इसके पास में इतना ही स्पेस है। वैसे यार ये इतना रिच पर्सन है, ये एक सेलिब्रिटी है, तो इसने इतने छोटे मैंसन पता नहीं क्यों परचेज करके रखा हुआ है। ओके, तो फिलहाल मैंने ना इस गाड़ी को भी यहाँ पे बाहर अनलोड कर लिया है और अंदर साइड में चलते हैं इस गाड़ी को। यहाँ पे तो यार ग्रास में तो सही नहीं रहेगा, वापस से थोड़ा स्पेस पे लाता हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट जगह, थोड़ा स्पेस भी रहेगा, अंदर से बंदा आराम से एक गाड़ी और लेकर के आ सकता है। और इस बंदे के साथ मैं बात कर लेता हूँ और इसको बोल देता हूँ, कुछ फीडबैक लेते हैं हमारी सर्विस कैसी रही। वैसे बंदा मुझको बोल रहा है यार तुम्हारी सर्विस तो बहुत अच्छी, आज सुबह ही मैं गाड़ियों को ऑर्डर दे करके आया था और तुमने अभी तक यहाँ पे हमको गाड़ी पहुँचा दी। पूरे लॉस एंजेलोस में इसको कहीं पे भी सुपरा नहीं मिली, एडवांस पैसे दे रहा था फिर भी उसके बावजूद भी नहीं मिली। हम लोगों को पता थी कि इससे हमारी पॉपुलरिटी बढ़ सकती है क्योंकि हम लोगों ने इसी बंदे को गाड़ी सेल कर दी। वैसे तो हमारे पास में बहुत सारे और भी बंदे आ रहे थे, इससे भी ज़्यादा पैसे देने वाले थे, लेकिन जहाँ पे हमारी पॉपुलरिटी बढ़ती है ना वहाँ पे हम लोगों को गाड़ी सेल करनी थी। तो फिलहाल हम लोग फटाफट यहाँ से हो चुके हैं फ्री। अब हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं और पहुँचते हैं अपने लेस्टर के पास। ओके यार, तो हम लोग लेस्टर के सीक्रेट बेस पे पहुंच चुके हैं। उसने हमको बोल दिया था तू जैसे ही फ्री हो ना उसके बाद में तो हमारे सीक्रेट बेस पे आ जाना, क्योंकि वहाँ पे फ्रैंकलिन पहुंच चुका है हमारी डीलरशिप पे। और उसके बाद में हम लोग फटाफट से लेस्टर के वहाँ पे पहुंच चुके हैं और मेरे को लग रहा है मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत रास्ता ले लिया। मेरे को उस साइड के अंदर जाना था क्योंकि हमारी जो सीक्रेट बेस है लेस्टर का उस साइड के अंदर है। एक काम करते ना, इसको यहीं कहीं पे पार्क कर देता हूँ, इसको घुमा के वहाँ पे लेके जाना। और वैसे भी वहाँ पे कोई पार्किंग का स्पेस ही नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये यहाँ पे बिल्कुल सही पड़ा रहेगा और यहाँ से इसको कोई लेकर के नहीं जाएगा। हम लोग वहाँ से जैसे कोई काम जाना होगा तो लेस्टर कोई कार लेकर के आया होगा, उसकी कार में बैठ के वहाँ से निकल लेंगे। इस ट्रेलर को हम लोग कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे, फिलहाल फटाफट से चलता हूँ। ओके ठीक है, हम लोग सेफली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एक काम करते हैं, इस एक मिनट यार कहाँ गए भाई हम? ओके यार, हम लोग गलत गली के अंदर आ गए, हमको बस आगे वाली गली में जाना था। ज़्यादा टाइम हो गया यार हम लोगों को आए हुए इस बेस पे। जब से हम लोग डीलरशिप में लगे हुए ना इस बेस को तो बिल्कुल भूल ही गए, इसलिए मैंने थोड़ा गलत गली ले लिया। बस यहाँ से मेरे को एक टर्न लेना और अंदर की साइड में चले जाना है, बस ये रहा हमारा बेस।
आई थिंक लेस्टर हमारा अंदर की साइड में वेट कर रहा है। ओके भाई साहब, टेबलेट के अंदर ये एनी टाइम कुछ ना कुछ करता रहता है और अभी भी वैसा ही यहाँ पे वर्क कर रहा है। मैं इसके साथ में सारी बात कर लेता हूँ, आखिर इसने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया। ओके यार, तो फिलहाल मेरी लेस्टर के साथ बात हो चुकी है, लेस्टर मुझे बोल रहा है। अब जो चाइनीज़ गैंग को हमने अंडर वाटर माफिया दिया था $30 मिलियन के साथ, वहाँ पे कुछ लफड़ा हो रहा है। चाइनीज़ गैंग वाले अंडर वाटर माफिया के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो। यार एक तो उसी गैंग ने उस अंडर वाटर माफिया को हमसे उसके मैंसन चोटवाया और अपने $30 मिलियन दिए, और अब फिलहाल पता नहीं वो क्या करने जा रहा है, उसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो लेस्टर बोल रहा है तुम्हें वहाँ पे जाके उसका पता करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें डीलरशिप जाना पड़ेगा, वहाँ से जो लैंड क्रूजर है उसको उठाना पड़ेगा और उसको डिलीवर करने आना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसका काम हम लोग फ्रैंकलिन को दे देते हैं और फटाफट से मैं अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता हूँ और हम लोग चलते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। फटाफट से मैं यहाँ पे जाता हूँ और उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल हमारा जो बॉडीगार्ड है ना, वो हमारे लिए बाइक लेकर के आने वाला था, जो लेस्टर की बाइक लेकर के गया था। ओके वेट, हम उसका ही बात कर रहे थे और ये भी वो बाइक लेकर के आ गया। फटाफट से बाइक है ना तो साइड के अंदर पार्क कर दी और जल्दी से हमको ये बाइक दे, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। वैसे वहाँ पे मैं अकेला ही जाने वाला हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे हम अपने बॉडीगार्ड को साथ में क्यों लेकर के नहीं जाने वाले। फिलहाल जो बॉडीगार्ड है वो हमारे लेस्टर के कुछ काम आने वाला है, लेस्टर कुछ प्लानिंग कर रहा है जिसमें बॉडीगार्ड हमारा हाथ बढ़ाने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा फ्रैंकलिन लमार वो डीलरशिप में लगे हुए हैं वहाँ पे बिजनेस करने के लिए। हमें यहाँ पे इन बंदों से छुटकारा पाना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग फ्रैंकलिन को डगन बोस में घसीट नहीं सकते, वैसे ही वो अभी अभी हमसे बोलने लगा है, डगन बोस की वजह से ही वो हमसे बोलना बंद किया था। तो ठीक है, मैं यहाँ पे गाड़ी लेके मैंने इसको बोल दिया ये लेस्टर के कुछ काम से गया था, फटाफट से ये लेस्टर के अंदर जाएगा और कुछ टाइम तक ये लेस्टर के साथ रहने वाला है। हम लोग फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं। अभी हम लोग जो नया मैंशन परचेज किया था ना, वहाँ पर भी हम लोग नहीं जा सकते, डगन बोस लेस्टर बोल रहा है। डगन बोस को पता चल गया हम लोग वहाँ पे गए हैं, तो हो सकता है वो वहीं पे भी अटैक कर देगा। फिलहाल मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और फटाफट से पहुँच जाता हूँ। हमें फिलहाल जाना है चाइनीज़ गैंग के मेंशन पे। लेस्टर को वहाँ पे डाउट है, वहाँ पे अंडर वाटर माफिया किसी से बंदे से मिलने के लिए आज जाने वाला है, वो भी चाइनीज़ गैंग के बॉस के साथ। चाइनीज़ गैंग के बॉस ने उसको छोड़ दिया। फिलहाल हम लोग फटाफट है ना उसके मेंशन पे पहुँच जाते हैं, कुछ देर वहाँ पे नज़र रखेंगे, कुछ ना कुछ हमें ज़रूर पता चल जाएगा। ऑलराइट गाइस, हम लोग फटाफट से पहुँच चुके हैं चाइनीज़ गैंग के मेंशन के पास। अब आगे बढ़ाता हूँ गाड़ी को जल्दी से। मैं एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना मैं यहाँ पे पार्क करता हूँ, यहाँ से एक अच्छा सा व्यू आना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग गाड़ी को थोड़ा और आगे लेने का ट्राई करते हैं, ये लोकेशन बिल्कुल मेरे को सही लग रही। मैं एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना थोड़ा और आगे ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना पत्तियाँ देखी थी जिसके अंदर हम लोग छुप सकते हैं, तो चाइनीज़ गैंग के जो बंदे हैं ना वो हमको देख नहीं पाएंगे। एक काम करता हूँ, गाड़ी को फटाफट से हम लोग यहाँ पे पार्क कर देते हैं और चलते हैं जल्दी से आगे की साइड में। ये गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल सही ले रही है, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने का ट्राई करता हूँ। एकदम छुप छुप के जाते हैं हम लोग कॉर्नर से, ये जो वॉल है ना इसके कॉर्नर से, ताकि बंदों की नज़र हमको नहीं पड़े, क्योंकि गेट के पास भी उसके चाइनीज़ गैंग के बंदे खड़े हुए। फटाफट से ये जो पत्ती दिख रही है ना इसके अंदर छुप जाते हैं। भाई उस बंदे ने तो देखा तो नहीं, ओके शायद से उस बंदे ने हमको नोटिस नहीं किया, अगर नोटिस करता ना तो ज़रूर वो इस साइड के अंदर आके चेकिंग करने का ट्राई करता। तो ये एंगल बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ देर वेट करते हैं, मुझे ज़रूर पता है यहाँ पे कोई ना कोई बंदा ज़रूर अंदर से बाहर आएगा। ओके, तो यार फिलहाल मेरे को यहाँ वेट करते करते एक घंटा हो चुका है, लेकिन अंदर से कोई भी अभी तक बंदा नहीं आया। लेकिन वेट, मेरे को यहाँ पे एक सुपर कार की आवाज़ आ रही है, शायद से अभी यहाँ पे उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और यहाँ पे आ चुका है। ओके, यहाँ पे गेट खुला है, रिवर्स लेकर के बंदा गाड़ी आ रहा है। अंदर कौन बैठा हुआ है? अंदर से अंडर वाटर माफिया निकला है बाहर की साइड में, और यहाँ पे चाइनीज़ गैंग का बॉस है, लेकिन ये वापस से गाड़ी से बाहर पता नहीं क्यों नहीं आई। तो ठीक है, फिलहाल शायद से ये अपने बंदे को कुछ बोल रहा था चाइनीज़ गैंग, तो वापस से ये गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं। एक काम करते हैं, हम लोग भी फटाफट से कुछ देर यहीं पर रहते हैं और इन बंदों को फॉलो करते हैं, आखिर ये कहाँ पर जाते हैं। वैसे लेस्टर की प्लानिंग है, हमें पता लगाना है आखिर इसके चाइनीज़ गैंग और अंडरवाटर माफिया के बीच क्या चल रहा है। वो शायद से हमसे अपना बदला लेना चाहता है, अंडरवाटर माफिया शायद से चाइनीज़ गैंग भी लेना चाहता है। तो फटाफट हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, इससे पहले यहाँ पे इसके बंदे हम लोगों को देख ले। ओके परफेक्ट, सारा प्लानिंग एकदम सही से जा रही है। इस गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। ओके, ये बंदे हमको नोटिस नहीं करें। ओके गाइज, उन बंदों ने हमको नोटिस नहीं किया, वरना वो वहीं पे हमको फायरिंग करना स्टार्ट कर देते और अपने बॉस को बोल देते कि माइकल यहाँ पे तुम्हारा पीछा कर रहा था। ओके, हम लोग यहाँ पे पहुँचते आगे, वैसे उसकी गाड़ी कहाँ? ओके, पूरे सामने की साइड में, मुझे उससे थोड़ा दूर चलना चाहिए। अभी फिलहाल वो बंदा हमको ट्रेस कर लेता, लेकिन यार हम लोग उससे थोड़ा गैप बना करके चल रहे हैं, और भी ज़्यादा मुझे गैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है हम लोग है ना उसके बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। हमारे कोई मास्क भी नहीं लगाया हुआ, जिससे आसानी से वो अपने मिरर के अंदर भी हम लोग को देख के पहचान सकता है। कोई ना, हम लोग जैसे तैसे करके यहाँ से इसको फॉलो करते हैं। आखिर ये बंदे आखिर जाना कहाँ चाहते हैं? ऐसा भी हो सकता है ये जानबूझकर हमको फॉलो करवाना चाह रहे हैं। हम ऐसे ही कुछ काम नहीं करेंगे, लेस्टर ने बोला था तुम अगर तुम्हें मौका मिले ना उसको मारने का तो तुम ऐसा मत करना,
ये इनकी जानबूझ के करना होता है, ये इनकी चाल भी हो सकती है, इसलिए हमें इन पे अटैक नहीं करना है, हम लोगों को बस फॉलो करना है। मैं थोड़ा फुटपाथ पे ले लेता हूँ और उसने गाड़ी इधर टर्न ले लेनी है। अब मेरे को कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आखिर ये जो बंदा है ना जाना किधर चाहता है। ये मेरे हिसाब से ड्रैगन बॉस के मैंशन पे जाना चाहता है, जो मिनी मद्रासों का मैंशन है। तो फटाफट से हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, देखते हैं। अब यार जो हम लोग अंदाज लगा रहे थे वही हुआ, ये बंदे उसको लेकर के चाइनीज गैंग के बॉस के साथ अंडरवाटर माफिया उसी की कार के अंदर आ चुका है ड्रैगन बॉस के मैंशन पे। हम लोगों ने जैसे तैसे फॉलो करके उसको यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा दूर रुक जाते हैं क्योंकि बाहर की साइड में उसके बंदे खड़े भी होंगे। मैंशन है तो बहुत सारे बंदे होंगे, वैसे हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे बंदों को सलटा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके पास में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के बंदे हैं, और भी ज़्यादा पैसे दे करके हायर कर लेता है। दोनों के दोनों बंदे अंदर की साइड में चले गए हैं, कुछ देर यहाँ पे वेट करते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग इधर से साइड के अंदर जाके उसके मैंशन पे कुछ देखने का ट्राई करते हैं। डायरेक्ट हम लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन लेस्टर ने बोला था ऐसी कुछ काम नहीं करना, तो फिलहाल हम लोग नहीं करने वाले। यहाँ से मैं गाड़ी को ऊपर चढ़ाने का ट्राई करता हूँ। ओके, थोड़ा आराम से धीरे धीरे, यस। और हमने गाड़ी यहाँ पे चढ़ा ली है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास है। आई होप यार इस घास के अंदर हम लोग उन बंदों को हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो ठीक है, मेरे पास में फिलहाल बाइनाकुलर नहीं है लेकिन स्नाइपर है, तो स्नाइपर से ही मैं उन बंदों को एक बार जूम करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ वेट करता हूँ, अभी तक कोई हरकत ही नहीं हो रही है, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यार मुझे यहाँ पे वेट करते करते पूरी इवनिंग हो चुकी है, शाम हो चुकी है, तो यहाँ पे 2-2.5 घंटे तक मैंने वेट किया। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे अचानक से मुझे दिखा कि यहाँ पे बालकोनी में अंडरवाटर माफिया और ड्रैगन बॉस आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब उनके बीच में क्या बातचीत चल रही है वो तो हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन वो जरूर कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। हो सकता है वो हमसे अपना बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि मैंने ड्रैगन बॉस के बहुत सारे बंदों को मारा, उसकी प्लानिंग बर्बाद कर दी, और अंडरवाटर माफिया को भी किडनैप कर लिया, वो भी उसके मैंशन पे अटैक करके अपने बॉडीगार्ड के साथ में। तो ठीक है, इसको प्लानिंग करने दो, इस बार हम लोग भी देख लेंगे कि कौन सबसे बेस्ट है। हम लोग इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, इस बंदे को मारेंगे, इस बार ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये मानेगा नहीं। इसके बीच में कुछ तो चल रहा और ये थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर रहा है अंडरवाटर माफिया, हो सकता इसके बीच में लड़ाई चल रही हो। तो फिलहाल हम लोगों को ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेस्टर को सारी बात बताएंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, उसके बाद में पूरी प्लानिंग के साथ में यहाँ पे आएंगे। तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, अपनी गाड़ी मैंने कहाँ पे पार्क कर दी, हियर ही, इस गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और जल्दी से चलते हैं। यहाँ पे शाम भी हो चुकी है, कुछ देर के अंदर नाइट हो चुकी है, नाइट होने से पहले हमें लेस्टर के पास में पहुँचना पड़ेगा और उसके बाद में डीलरशिप जाके वहाँ पे भी कुछ देख लेते हैं और कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ सेल हुई, और कल हमारा जो हमने सुपरा की और ट्रेंड कंटेनर मंगाया था वो आने वाला भी है, उसको भी लेने जाना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इसी और अमेजिंग वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।